Trails is not a ट्रेलिंग शो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलो माय नेम इज मोहम्मद मुज़फ्फरपुर, मैं आपको बताऊंगा कि जो नया टीवी सीरियल जिसका नाम चुरेल है आसिम अब्बासी का, वो क्यों सोसाइटी के लिए अच्छा है, अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर मेंशन की हुई है। अच्छा, अनलाइक मोस्ट रेडिकल फेमिनिस्ट इन पाकिस्तान, इसके अंदर ये चीज मेंशन की हुई है इक्वालिटी की, ठीक है, यानी दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं करेंगी, और ये इसके अंदर शो कराया हुआ है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर इसने आसिम अब्बासी ने बेसिकली ये कहा हुआ है, शो है इसके अंदर सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की हुई है कि जो ये हुआ है कि जो औरत है उसको मर्द के बराबर के राइट्स देने और दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करेंगे, विच इज अ एक्सेलेंट थिंग, ठीक है। और ये आजकल जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो इस चीज को फॉलो नहीं करती, वो औरत राज की तरफ जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट फ्रॉम आसिम अब्बासी। और इसके अंदर एक और मेजर चीज है जो सारा कॉन्टेक्स्ट को बाहर निकाल के ना एक और कॉन्टेक्स्ट है जो आपको इस चीज का पता नहीं होगा। इसके अंदर एक और चीज है जो बहुत मेन है इसको रिलीज होने करने के लिए, Z5 बेसिकली इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान के शोज इंडिया में एयर करता है, सेम ये इंडिया में भी एयर करेगा, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी मूवीज की एक्सचेंज रुकी हुई थी, जो आरआई जो भी जो इशू हुआ था बॉर्डर पे जिसकी वजह से हमारे एक्सचेंज रुक गया था, वो रिज्यूम हो जाएगा। सो दैट्स अनदर थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट, इसका रिलीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद सोसाइटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह ये मूवी ने शोर में चाया हुआ है आप लिखवा लें, ये आग फैला देगी, काफी ज्यादा इक्वालिटी हो जाएगी, और जो वुमेन है खासकर उनके रवैये में चेंज भी आएगा। होपफुली वो इक्वालिटी के बेस पे आए, सुपीरियरिटी के बेस पे ना आए, एंड द सेम गोल्स फॉर मेल्स, वो भी इक्वल समझे। तो आसिम अब्बासी ने बेसिकली ये कहा हुआ है। सेकेंडली, अगर इसके बंदे का आर्टिकल के अंदर इनिशिएटिव भी इतना प्योर है इक्वालिटी का, तो आई एम प्रीटी श्योर ये मूवी भी इक्वालिटी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। दोनों साइड को फेवर किया गया, दोनों साइड को इक्वल रखा गया होगा प्रोबेबली। That's basically all about this show. ठीक है, आप ट्रेलर देखें इसका, उसका लिंक भी नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ मैं। Don't be afraid of this show. It's not that triggering. Trust me. ये equality को इकली लॉन्च किया गया। It's for equality and it's only also for friendship of entertainment media between the India and Pakistan. But इसको basically side पर ड्रम में फेंक के इंडिया के साथ मीडिया दोबारा एक्सचेंज किया जा रहा है, पॉलिटिक्स को totally इग्नोर करके। So that's a very good thing. So guys, you need to watch the trailer. I will put in the description below. Okay, so guys, that's pretty much it. My name is Mohammad Hamza Farooq. Like and subscribe if you like the video.